दहेज, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लड़की वालों की रूह कांप उठती है। और शादी होने के बाद भी लालची ससुराल वाले अपनी मांगों से पीछे नहीं हटते और अगर मांगे ना मानी गई तो विवाहित को मारकर या ताने देकर अपनी बात मनवाते हैं। आखिर में हार कर पीड़िता अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। कुछ ऐसा ही मामला हिसार के समीप पीरावली गांव में सामने आया है, जहां एक विवाहित पर उसकी बच्चे की संदिग्ध हालत में रेल के नीचे आने से मौत हो गई। मृतका और उसकी बच्चे की पहचान 30 वर्षीय गुरमीत कौर व 4 वर्षीय मनदीप कौर के रूप में हुई है। फोन आया सी जी, बहुत मेरी लड़की को ना परेशान बहुत करे जी, मारने की धमकी दे रही है, इन्हें छा के ले गए नहीं, रेल के थले गिर दिता जी मारी। देखो जी, जो करना है आप करना, हम अनपढ़ हैं जी, सानू कोई पता नहीं कि मेरी लड़की मारी गई है, इन्ना मारी है, धमकी दे रही थी, ये भी मारे कर, कोई साथ नहीं बात करी ना। बताओ जी, कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी लड़की मारी गई है, जो इंसाफ चाहिए। विवाहित के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को तंग किया था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में पहुंचा दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। जी मामला है 9/2009 में इसकी शादी हुई थी गुरमीत कौर की, और मेरे को इन्होंने बोला भी मेरे को दहेज चाहिए, दहेज के मैं थोड़ा सा मेरे को धमकाने लगे, लड़की को मारने पीटने लगे, बोलते थे मेरे पास पलंग नहीं है, वो नहीं, बेड नहीं है, जो भी गाड़ी मांगते थे, मतलब मोटरसाइकिल पुरानी है हमारे पास, पैसा भी बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो और हमारे को जिसने बताया और हमने विरोध किया, अपने घर में ले गए अपनी लड़की को, और उसके बाद ये सारे जी प्रीतम सिंह और सोनू जिसके पति है ये मेरे घर पर, और जो एक सतनाम सिंह है, एक बिंदर सिंह है जी, एक इसकी माता है जी शील कौर जी, और ये हमारे घर में घुस के हमारे को धमकी देने लगे, बोलने लगे भी अब तलाक भी मांगेंगे जी अगर तुम दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके। और हमसे फिर हमने विरोध किया थाने में जाके, और हमारे से माफ़ी मांग के और ले के आ गए वहाँ से भी, कोई बात नहीं आज से हम तंग नहीं करेंगे। उसके बाद ये फिर झगड़ा वैसे ही चलता रहा, और ये मारे को धमकियाँ देते रहे भी इसको अपने ले जाओ, हम कहाँ ले जाते हैं, बाप है नहीं, बाप मेरे सिर पे नहीं है। जब ये आए था जी दुखी हो गए, तो अपना सोसाइटी किया है जी, उसके बाद इन्होंने सोसाइटी किया नहीं है जी, इन्होंने करवाया है खुद धमकी से, और ये नहीं पता छोड़ के आके वहाँ से ट्रेन के पास ही छोड़ के आ गया हो, और धमकी भी कर जाएगी तो मार देंगे, वैसे भी मरना तो वैसे भी ही मरना है, और दोनों को लड़की को भी और उसकी माता को भी ये वहाँ से ट्रेन से घेर के आए हैं जी। हमारे को ये पक्का यकीन है कि ये पहले भी इतना काम करते थे, अब तो भी और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हम तो इंसान बताओ जी, मांगे यही है कि जो हमारे घर में पहले भी गए थे डाकू बन के और हमारे को धमकी देते थे, इसकी लड़के की माता सोनू की माता और इसका बाप, इसका दो भाई हैं, इसका नाम सतनाम सिंह है और दूसरे का नाम बिंदर सिंह है, और इसके बाप का नाम प्रीतम सिंह है, इसके अब लड़के का नाम सोनू सिंह है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है जनाब से कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। बता दें कि गुरमीत कौर का विवाह पीरावाली निवासी सोनू के साथ 2009 में हुआ था। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले उसे दहेज की मांग को लेकर तंग और उसे छोटी छोटी बात पर मारते पीटते थे। 10 दिन पहले भी मृतका ने उन्हें सूचित किया कि ससुराल वाले उसे तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी दुखी थी। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हर माँ बाप को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है, यहाँ तक कि बेटियों का भी शादी के नाम से भरोसा उठ जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, अब देखना ये होगा कि आरोपी कब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।